गाजा में हमास के खिलाफ आईडीएफ का ग्राउंड एक्शन अब भीषण जंग में तब्दील होता दिख रहा है। गाजा बॉर्डर के चारों तरफ से इजरायली सैनिक टैंक और बमों के जरिए विध्वंसक चोट कर रहे हैं। गाजा में इस वक्त चारों तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। इजरायली सैनिक शहर के दोनों छोर पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच हमास के शीर्ष नेताओं ने इजरायल के ग्राउंड एक्शन को पूरी तरह फेल बताया। I can see all the attempts of the Israeli occupation forces to invade Gaza or to enter the borders of Gaza failed. Qassam brigades highly prepared and they successfully fought against the attempts of the occupation forces to invade Gaza. इस बीच पीएम नेतन्याहू लगातार सुरक्षा बलों के बीच जाकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसराइल और हमास के युद्ध में अब तक 9000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसराइल ने कसम खाई है कि जब तक वो हमास के आतंकियों का खात्मा नहीं कर देता वो चैन से नहीं बैठेगा। 50 שוטרים ושוטרות הקריבו את חייהם כדי להציל את אזרחי המדינה.